अयोध्या में बिजली के बिल में बढ़ोतरी और किसानों पर कर्ज के बढ़ते दबाव को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया। शहर के तिकोनिया पार्क में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता सदर तहसील गेट पर पहुंचे। वहां उन्होंने मौजूदा सरकार पर किसानों की समस्याओं का हल करने के बजाय उन पर कर्ज का बोझ डालने का आरोप लगाया। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेसी महानगर अध्यक्ष अकबर मेजर अली की अगुवाई में किया गया। आपको बता दें कि अयोध्या में सांड के हमले से एक किसान की मौत हो गई है। यह घटना अयोध्या के खंडासा थाना क्षेत्र में हुई। मृतक की चार बच्चियां हैं, उसको अभी तक शासन या प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा नहीं मिला है। वहीं इस घटना के बाद किसानों में आवारा पशुओं को लेकर भय का माहौल है। सदर तहसील की गेट पर विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। जिस तरह से किसानों को उत्तर प्रदेश में हर तरीके से परेशान किया जा रहा है, चाहे वो आवारा पशुओं के कारण हो, चाहे किसानों के ऊपर जो भारी कर्जे लदे हुए हैं, जो किसानों के ऊपर बिजली का बिल दिन पे दिन बढ़ाया जा रहा है, उस सब चीज़ों को लेके हम लोग आज यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। कई सूत्री मांगे हैं आप? हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें किसानों का बिजली का बिल हाफ किया जाए, उनके ऋण माफ़ किए जाएँ, आवारा पशुओं का प्रबंध किया जाए, धान की खरीद तुरंत हो और उसका मूल्य 2,500 रुपये प्रति कुंटल कराए सरकार, क्योंकि किसान कर्जों से एकदम डूब चुका है, आत्महत्या कर रहा है, रोज नई नई घटनाएं हो रही हैं।